नमस्कार दोस्तों, हम हैं बच्चा यादव और हमारे शो बात की खाल में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। ओहो माय गॉड यार, यकीन नहीं हो रहा है यार, सुर की दुनिया के चार महारथी हमारे आंखों के सामने बैठे हैं यार, टू मच। और इतना का बात देखिए, चार में से दो ससुर भी हैं। हंसराज जी, दलेर जी, हम बखूबी वाकिफ हैं कि आप दोनों समझी भी हैं। एक बात आपसे जानना चाह रहे थे कि आप लोग जब अपने एक दूसरे के घर पे कभी फैमिली के साथ खाना वाना खाने जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, तो फैमिली फंक्शन होता है या कॉन्सर्ट? चलिए अब हम अपना ये डिबेट शुरू करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, और काम चलाओ देवियों भी, ठीक है। आप सभी का स्वागत है इस डिबेट में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के फेमस सिंगर दलेर मेहंदी जी, सुरों के सागर हंसराज हंस जी, सुरों के किंग मीका सिंह, और सुरों के जादूगर जसबीर जस्सी। और इस तरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मानू या ना मानू लेकिन बन गई हमारी जानू, तितली यादव। थैंक यू, आई लव यू तितली। और उनके साथ बैठी हुई हैं एक बहुत ही लुच्ची लफंगी आवारा जिसको कोई नहीं बनाना चाहता है अपना, आई डोंट इवन वॉन्ट टू वेलकम हर, सपना। पराई औरतों के लिए इतनी लंबी लाइन और मेरे लिए इतनी छोटी सी लाइन। अबे उबली हुई पेंगुइन, तेरे पति ने मेरा इंसल्ट किया है। मुझे पता था, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। और जितनी भी पराई औरतें हैं, कान खोल के सुन लो, यू रेड शर्ट, तुम मेरे पति को देख रही थी ना, किसी ने भी मेरे पति को आंख उठा के नहीं देखना। अरे यार वैसे भी कोई नहीं देखता, क्यों पनौती और लगा रही हो यार। थोड़ा सा कोई अगर आंख उठा के हमको देख भी ले तो बुरा क्या है। नहीं अर्चना जी, चलिए सच्चाई है कि वेजिटेरियन मुर्गा नहीं खाते, लेकिन मुर्गी को थोड़ा ऐसा दाना तो डाल सकते हैं ना। उतना तो चलता है यार। तुम दाना डाल के तो देखो, तुम्हारा दाना पानी ना बंद कर दिया और तुम्हारी मुर्गी ना नचोड़ दी ना, तो मेरा नाम भी तितली ही। अरे बड़े ठीक है यार, अब दाना अवेलेबल नहीं है तो मजबूरन पूरा मुर्गी खाना पड़ेगा हमको। ये मर्द लोग ना, इनको मुर्गी बहुत पसंद रहती है ना, अभी हम लोग भी दिखाएंगे कि हम लोग भी नल्ली निहारी का शौक रखते। जिसको हम समझ रहे थे सलाद का खीरा, वो तो निकली सकीरा। ए बकवास मत करना, इससे तमीज से बात कर, हमारे एरिया की लेडी मिक्का है वो, समझा। और तू धोखेबाज आदमी, तेरे जैसा धोखा नहीं देती है वो। जरूरत से ज्यादा बड़ी औरत, हमने कौन सा धोखा दिया है? क्या पूछता है? जरूरत से धोखा दिया है, आलू का पराठा खा के मूली के फाट मारता है तू। सच कहा? ये फाट बीच में कहां से आ गया? फाट जो है बीच में से ही आता है, तेरा साइड में से आता है। बात कर रहे ले। ये क्या डिस्कस किया जा रहा है यार? ज्यादा मत बोल, तेरे से ज्यादा तो सैंडी हिलती रहती है तेरी। तो चलिए वक्त आ गया है कि हम अपनी डिबेट शुरू करें। करें। हेलो 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 हेलो। हाँ सोनी साहब, हेलो सोनी साहब। हाँ मेरी आवाज आ रही है? अच्छा आवाज आ रही तो मेरे पैसे क्यों नहीं आ रहे? हाँ सोनी साहब, मेरे पैसे टाइम पे भेजा करो, नहीं तो मैं आपको बता दूं आपके दो स्पॉन्सर मेरे कब्जे में है। अगर मेरे पैसे शाम तक नहीं आए, मैं वो दोनों स्पॉन्सर क्राइम पेट्रोल को दे दूंगा। ओह माय गॉड, अर्चना पूरन सिंह, ये आदमी कहां से आ गया? हे भगवान, हमारा सिद्धू खा गई।
आइए मुबारक हो, लगातार भंकस करने वाले अंकल आ गए। मैं एक मिनट, मुझे साउथ में फोन लगाना है। हेलो साउथ इंडिया, सारे सिंगर पंजाब भेज दो क्योंकि पंजाब वाले सारे इधर आए हुए हैं। अरोड़ा जी, तो एक बात बताइए यार, देखिए दुनिया में तो आप बिना किसी कारण के आ गए, हम भी रोक नहीं पाए, सो सैड। लेकिन आपका इस वक्त आने का क्या कारण है यहाँ पर, अगर आप हमें बता देंगे तो हमारी इंद्रियों पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा। बाकी मर्जी है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका, क्या जाता है हमारे बाप का। वाह, हमारे बाप का बहुत कुछ गया है, तुम्हें पैदा करने में उसकी जान निकल गई है। मैं तो दुनिया में बिना बताए आ गया था। आपको पता, मेरे माता पिता को भी नहीं बताया मैं आ गया। मैंने कहा पिताजी मैं आ गया हूँ, लड्डू बांट दो। फिर इनके पिताजी ने लड्डू बांटने के लिए गए ना मार्केट में, तो लोगों ने मना कर दिया, बोले ऐसे बच्चे के लिए क्यों लड्डू ले हम। Shut up, you assembled औरत। खुदा का खौफ खा और बच्चा यादव तू थोड़ी सौंफ खा। लोगों के मुंह से बदबू आती, तेरी बदबू से मुंह आ रहा है, मुझे मजा ही नहीं आया। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया तुम्हारी शक्ल देख के। थोड़ा सा मानवता का परिचय दीजिए यार, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के सिंगर्स आए हुए हैं पंजाब से। आज पंजाब से हैं अर्चना जी, पंजाब के ऊपर ऊपर वाले की इतनी कृपा है, हर दूसरा आदमी सिंगर है और हर पहला आदमी, पहला तो पहले से सिंगर है। ये आदमी, इसको बिल्कुल अकल नहीं है, दुबला कहीं का। दुबला की दे रहे हो, सॉरी उबला। तो चलिए आज का डिबेट शुरू करते हैं, और इसके फाट से 6000 पक्षी मरते हैं। देखो कविता बन गई है। मैं किसी भी चीज की कविता बना लेता हूँ। तू टेंशन मत ले, तेरा बदला मैं लेगी। गो फॉर इट, गो फॉर इट। हेलो अरोरा अंकल। हेलो। बोलो ना मोर। तेरा बाप चोर है। तेरी माँ चोर, तेरा खानदान चोर। नहीं नहीं गलत बोले, मैं तो काम चोर समझी थी। मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं भी जीत गई, मैं भी जीत गई। अरे तित्वी तुम क्या जीत गई यार? कुकर कढ़ाई, मैंने लॉटरी डाली थी, कुकर कढ़ाई, मैं बहुत कुछ जीत गई। बल्ले 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 बल्ले। अच्छा मैंने एक न्यूज सुनी थी। हाँ जी। केरला में शराब पी के हाथी हुआ पागल। नहीं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने न्यूज सुनी थी। तुम करे क्या जा रही हो, कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। इसकी गर्दन उतार के इसके अंदर कपड़े डालो, ये धो के सुखा भी देता है। तो चलिए इन बातों को इग्नोर करते हुए डिबेट को शुरू करते हैं। हमारे डिबेट का आज का मुद्दा है कॉन्ट्रोवर्सी। और कॉन्ट्रोवर्सी के ब्रांड एम्बेसडर मीका जी तो हमारे साथ बैठे हैं। ये बात तो सही कही। कॉन्ट्रोवर्सी मीका जी घमोरिया जैसी होती है, की नहीं जाती, हो जाती है। सुनो सुनो, वो बहुत ज्यादा गदराई हुई औरत, ये आप पर एग्जांपल आप प्यार का भी दे सकती थी कि प्यार किया नहीं जाता। हमारे नाला सुपर में घमोरिया ही होता है, तो उसी का एग्जाम्पल देगी मैं। अरे अंकल इसको समझाओ ना, समझता नहीं। अब यू ऊद बिलाव की फूफी। देखो कंट्रोवर्सी जो होती है वो जैसे सुसु जैसी होती है, जब होनी होती हो जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते। जस्सी जी मेरा आपसे एक सवाल है कि आपका एक गाना था कि दिल लेगी कुड़ी गुजरात दी। वाह भाई वाह, सारी उम्र पंजाब में रहे, पंजाब ने आपको इतना कुछ दिया, मक्की की रोटी, सरसों का साग, चुट्टा मक्खन, पर दिल गुजरात की लड़की लेगी, पंजाब की लड़की नहीं लेके गई, ये क्या मतलब हुआ? इस बात का जवाब जो है मेरी तरफ से मीका देगा। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि शायद पंजाब की लड़की ने इसको पसंद ही नहीं करा कभी। हाय, सो सैड। और जो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो गुजराती थी, तो इन्होंने ये गाना उनके लिए बनाया था, आई गेस, राइट? थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। तो जस्सी जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि प्लीज
आप अपना ध्यान रखें, कल को ये ना हो कि मार्केट में दूसरे गाने आते हो कि मेरा फेफड़ा लगी बंगाल दी, मेरा कुर्ता लगी झारखंड दी, मेरी आंखें लगी बंगाल दी, वो अच्छा नहीं लगेगा फिर। क्या सवाल पूछा है नुसरत फतेह अली खान के तबले। अच्छा दिलेर पाजी, मेरा आपसे एक सवाल था, आपने वो गाना गाए ले ना, आप जोर का झटका है जोर से लगा, फिर मिक्का जी आपने वो गाना गाए 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो आप लोग बॉलीवुड में काम करते कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में? बहुत खूब, बहुत खूब, तीन वाहियात लोग साथ में मैदान में उतर आए, वाह वाह वाह। अच्छा ऐसे लोग आपको पता, जब ये पैदा हुआ उस अस्पताल की नर्सों ने मिलकर इसकी माँ को घेर लिया, कहते ये जो रायता फलाया लेके जा। तो मैं काम करो, अपने आप को रिसाइकल बिन में डालो, हो सकता है दोबारा ठीक हो जाओ। मुझे अपने घर का एड्रेस दो। क्यों थे? मुझे वहां पे जाके आत्थू की डिलीवरी करनी है। दिलेर जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप पंजाब से, मीका बाजी, अंजना जी, जसवीर जी, मैं भी पंजाब से हूँ इसीलिए मैं भी खूबसूरत हूँ, आपके गाने गाते हुए निकल आते हैं हंसी निकल। मैं भी पंजाब से हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। ये पक्का इसने किया है, म्यूजिक नहीं है ये। मैं भी खूबसूरत हूँ, मैं पंजाब से हूँ, लेकिन आपके गाने गाते हुए लड़के मोटरसाइकिल में मेरा पीछा करते हैं और मेरे आस पास गेड़ियाँ लगाते हैं। अरे उनको लगता है चौक है। पर यार एक एक बात का तो मजा आ रहा है, मतलब जो भी भगवान करता सही करता है, मतलब एक तरफ चार मेरे शेर, बब्बर शेर, भारती हो, कपिल पाजी, कृष्णा, कीकू भाई, और तीन के इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पे, और इधर हम चार बैठे हैं, आपको प्रणाम। आपको भी प्रणाम। थैंक यू मीका भाई। कीकू भाई एक बार मुझे आपका जोक सुनना है, क्योंकि आप इतने कमाल के जोक सुनाते हैं। लीजिए यार, डिमांड कर दिए, पेश करते हैं भाई। इधर जोक सुनना है। जस्टिन बीबर का नाम सुना है आप? जस्टिन बीबर सिंगर है, बहुत ही कमाल के। वो जब अपना खाना खाते हैं ना, तो ये जो उंगली है ना, खाना खाते वक्त ये उंगली कभी इस्तेमाल नहीं करते, पता ये क्यों? क्यों? क्योंकि ये मेरी उंगली है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कितना बढ़ोगे? देखिए यार, आप कितना बीच में बोलते हैं। अगर हमारे मेहमान आए, आगे आओ, पहले दो मिनट आगे आओ। अगर तुम इनको बता दो कि तुमने कौन से कलर के जूते पहने, मैं मान जाऊंगा। बस हो गया यार, तो पापी पेट का सवाल है, इसके लिए यहाँ पर खड़े हैं, वरना कब से इस डिबेट से चले गए होते हम। सर अगला मुद्दा, सर हम दलेर जी आपसे डिस्कस करना चाह रहे थे, बाहुबली फिल्म में आपने गाना गाया, जी यार बाहुबली, हमको बड़ा अच्छा लगा। वाह वाह, आई लव्ड इट। वाह वाह, बड़ा मजा आया। लेकिन बाहुबली में आपने गाना गाया, मिका जी ने क्यों नहीं गाया? वाह, अच्छा अच्छा लगता मिका बाहुबली में गाना गाता, बाहुबली कहता ए बाहुबली चल दारू ला, हट। वाह 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 वाह, अच्छा लगता महारानी शिवगामनी करती ढिंक जी का ढिंक, अच्छा लगता। और देव सेना आगे करती गंदी बात, अच्छा लगता। मुझे पहले लगता था इसकी गर्दन ही नहीं है, इसका दिमाग भी नहीं है। आपको पता है जब इनकी शादी हुई, दोनों मियां बीवी, इनकी दोनों की गर्दन नहीं, जयमाला नहीं हो पा रही थी, एक दूसरे की टांग में डाल के मियां बीवी बने हैं। हंसराज हंस जी। हाँ जी। क्या बोला? मेरा आपसे एक सवाल था। हाँ जी। आप हंसराज हंस हैं, तो आपका ट्विटर अकाउंट पे चिड़िया है कि आपने उधर भी हंस रखे ले? अच्छा इसका ट्विटर अकाउंट पे पेंगुइन है।
पेंगुइन नहीं है ये लोग कलिंगड़ और ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं मालूम है अरे अरोरा अंकल इसको गौर से देखो एकदम लगता है ना ड्रैगन फ्रूट ऐसे डंडी के साथ नीचे सर टेढ़ा मेढ़ा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़